हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिनर लॉर। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट बनाना केक। तो सबसे पहले हम अपने देगचे को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे और टिन को ग्रीस कर लेंगे। तो चार केलों के मैंने सिंपल स्लाइस काट लिए हैं। अब एक बाउल में हम चार अंडे ले लेंगे और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। अब इसमें जाएगा एक कप शुगर पाउडर और इसे डाल के हम साथ साथ बीट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल कर रही हूँ और अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसे ब्लेंडर जग में भी बीट कर सकते हैं। पाँच से सात मिनट के लिए आपने इसे अच्छे से बीट करना है। अब जाएगा इसमें हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें वनीला एसेंट और हाफ कप जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल का। और साथ साथ आपने इसको बीट करते रहना है। दो चुटकी जाएगा अब इसमें नमक। दो कप इसमें जाएगा मैदा। मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा डालते जाएंगे और इसको वन साइड फोल्ड करते रहेंगे। जितना आप इसको सॉफ्टली मिक्स करेंगे केक हमारा उतना ही फ्लफी बनेगा। आधा कप मैंने दूध ले लिया है, जहाँ मुझे बैटर ठीक लगेगा वहाँ हम इसे इस्तेमाल करेंगे। थ्री टेबलस्पून इसमें जाएगा कोका पाउडर। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। बैटर देखें, इसी तरह का बैटर हमारा होना चाहिए और इसकी कंसिस्टेंसी भी ऐसी होनी चाहिए। और अब टिन में हम एक लेयर बनाना की लगा लेंगे और इसमें हाफ बैटर डालेंगे।
और अब इसके ऊपर एक और लेयर हम बनाना की लगा लेंगे। हम चॉकलेट बनाना केक बना रहे हैं तो अब इस पे डाल लेते हैं चोको चिप। और अब हम बनाते हैं फाइनल लेयर। फिर से इसके ऊपर पहले एक ही बनाना लेयर। और अब इसके ऊपर जाएगा चोको चिप। तो चॉकलेट बनाना केक हमारा बेक होने के लिए रेडी है और अब इसको एक से दो बार हम टैप कर लेंगे। और अब इसको बेक होने के लिए रख देंगे 45 मिनट के लिए। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है। तो केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये देखें कितनी अच्छी केक में बनाना ले रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।